पीटीआई के फितना मार्च में वजीर आला महमूद खान ने वफाक पर चढ़ाई की। वफाकी हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गैर आइनी इकदाम पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वजारत कानून से राय तलब कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के तैनात पुलिस और इंतजामिया के बाद अफसरान भी सियासी जमात के आलाकार बने। ऐसे अफसरान के खिलाफ एक्स्ट्रा कोर्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इमरान नियाज़ी मनफी सियासत छोड़कर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे। कबीरवाला सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंजाब अली जान खान का टीएचक्यू अस्पताल का दौरा। एमएसटीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर अमारा अली भट्टी, सीईओ हेल्थ डॉक्टर खालिद नईम और एसी कबीरवाला मलक नदीम हुसैन दैड़ के अलावा अस्पताल के दीगर अमला भी मौजूद। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का अस्पताल के तमाम वार्ड्स का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ ने डॉक्टर अमारा अली भट्टी को गुड मैनेजमेंट पर शाबाश दी और आज का दौरा मिसाली करार दिया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर पूरे पंजाब के दौरे कर रहा हूँ। सेक्रेटरी हेल्थ ने टीएचक्यू अस्पताल की सफाई, डिसिप्लिन और अस्पताल में वार्ड्स के हवाले से जनूबी पंजाब का बेहतरीन अस्पताल करार दिया। नए तरक्याती साल के शुरू में कई मंसूबे शुरू कर रखे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अली जान। जहानिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजलाई डकैत गैंग के चार मुलजमान गिरफ्तार। डकैती की 8 मोटरसाइकिल, मुबल्लग 1 लाख रुपए की नकदी, 2 पिस्टल, मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान ने थाना जहानिया की हदूद में कई वारदातों में मतलूब थे। एसएचओ जहानिया साद बिन सईद सिंधु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएचओ थाना जहानिया साद बिन सईद सिंधु ने जहानिया थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि थाना जहानिया में बैनुल इजलाई गैंग के चार खतरनाक मुलजमान मोहम्मद इमरान, जाफर इरफान, इमरान असमल को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश मुलजमान से डकैती किए हुए 8 अदद मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए नकदी, 2 अदद 30 बोर पिस्टल और 4 अदद मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। एसएचओ जहानिया साद बिन सईद सिंधु ने मजीद बताया कि मुलजमान थाना जहानिया की हदूद में बहुत सी वारदातों में मुलव्वस हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में अमन हो चुका है। एसएचओ जहानिया साद बिन सईद सिंधु की इस कारगर्दगी पर शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया और डीपीओ खानेवाल ने शाबाश भी दी। यूरोपीय इदारा बीमारियों की रोकथाम के मुताबिक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 219 हो गई है। मुतासरा मुल्कों की तादाद 1 दर्जन तक पहुंच गई है। यूरोपीय ममालिक में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। बरतानिया में 71, स्पेन में 55, पुर्तगाल में 37 मरीज सामने आए हैं। रिपोर्ट होने वाले मरीज में ज़्यादातर जवान लोग शामिल हैं।